सुनाओ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अब देखिए 723.75 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की वजह से इस सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है। काफी सारे स्टॉक्स री रेट हो सकते हैं, इसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ा नाम है एंड ऐसे में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर करेंगे 3,000 रुपए का प्राइस हमें होना चाहिए था, बट आपको 723 रुपए का ही प्राइस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्या हमें भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस जो है वो 3,000 देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है बाय सेल्स, बाय प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट बाय मार्केट कैप। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आ रहा है वो बजिंग है बिकॉज ऑफ 107% का आपको जंप देखने को मिल रहा है प्रीमियम में। 70 टाइम का यहाँ पर आपके सामने है सब्सक्रिप्शन एंड ये प्रीमियम आपके सामने देखने को मिलता है एंड 90% लोग इसमें सेल करके निकल जाए। कोई भी एक लंबे समय के लिए ये आईपीओ नहीं रख पाया बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशंस एंड यहां से और ज्यादा कमा पाना आसान नहीं है। बट इन स्टॉक्स में जो कि अंडर वैल्यूएशन कूट कूट कर भरी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने ये बताया कि ये स्टॉक्स की वैल्यू क्या है। जिनको भी आईपीओ नहीं मिला है वो हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के अंदर, बाकी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं एंड वहां पर रिटर्न कमा भी रहे। अभी अगर आप देखें 722 रुपए पर है, बट इसका ऑल टाइम हाई कितना है? आपको कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने जब से लिस्टिंग हुई है। इवन अगर आप देखेंगे 2017 में अगर किसी ने खरीदा है, 753 रुपए का ऑल टाइम हाई था, वहां से लेकर अब तक कोई रिटर्न नहीं दिया है। यानी कि आप देखेंगे कि लमसम 6-7वीं ईयर चल रही है, 7th ईयर चल रही है एंड आपके सामने अभी भी ये ऑल टाइम हाई नहीं निकला है, जबकि अर्निंग्स कहां से कहां पहुंच गई, प्रॉफिटेबिलिटी कहां से कहां पहुंच गई है। सबसे मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक आपके सामने देखने को मिलते हैं, ये सेक्टर पूरा अंडर वैल्यूड है। हालांकि पिछला अगर आप देखेंगे रिटर्न तो 2017 से पहले तो जिन्होंने खरीदा उनको बहुत अच्छा तगड़ा रिटर्न दिया एंड ये स्टॉक कभी 10 रुपए या 15-20 रुपए पर था एंड आज की डेट में 2017 में मल्टी बैगर स्टॉक बना है। उसके बाद 6 साल एकदम खाली निकल गए, बट मेरे ख्याल से 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है, कहीं ना कहीं अब दोबारा से यहाँ पर बूम आना चाहिए एंड ये ऑल टाइम हाई ध्यान रखिएगा 760 निकला ना तो इसके अंदर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना तेजी बनेगी। एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है, लीडिंग ब्रांड है रेडियो पर, यानी कि रेडियो पर जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें लीडिंग ब्रांड आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखने को मिलता है। ये आपके सामने 110 रेडियो स्टेशन का यहाँ पर जो है ना आपके सामने ब्यौरा है एंड मॉनिटर किया गया है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो एक लीडिंग ब्रांडशिप है वो आपको रेडियो पर देखने को मिलती है। तो ठीक है, 2017 से पहले जिसने भी कमाया वो कमाया, बट 2017 के बाद का क्या हुआ? अर्निंग्स तब भी बढ़ी है ना, 10 साल में 14% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला है, स्टॉक 9% के सीएजीआर से बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा। 5 साल में 14% का यहाँ पर जो है ना कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, 12% का ही यहाँ पर जो है ना आपके सामने बढ़ोतरी हुई है स्टॉक में। 3 साल का देखें 19% प्रॉफिट ग्रोथ, 20%, बट अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में 45% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है एंड स्टॉक अभी जो चलना स्टार्ट हुआ है 52% का रिटर्न अभी आपको देखने को मिला है 12 ट्रेलिंग मंथ में। एंड ये स्टॉक मैंने आपके सामने 550 पर रखा था जब ये हुडको के बारे में हम बात कर रहे थे, सस्ता है या महंगा है। मैंने कंपेयर करके दिखाया कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इस सेक्टर का मोस्ट अंडररेटेड स्टॉक आपको देखने मिलता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक देखने मिलता है एंड वहां से ये स्टॉक चलने स्टार्ट हुआ है आज की डेट में आपके सामने। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको बताता हूं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस कितने मार्केट कैप पर आ रही है, 1,30,000 करोड़ के मार्केट कैप पर। 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी करेंट भाव से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्रीमियम को अगर ऐड करेंगे तो। अदरवाइज 60,000 करोड़ का प्री आईपीओ में देखने मिलता है वैल्यूएशन, बट 1,30,000 करोड़ अगर आप प्रीमियम को ऐड करेंगे। बट अगर आप देखेंगे तो इससे छोटी कंपनी हमें देखने मिलती है हुडको, उसके बाद हमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कि सबसे बड़ी कंपनी देखने मिलती है। अब आप सोचिए कि अगर ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ये अगर जगह ले बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, 4 गुना से ज्यादा हमें प्राइस देखने को मिलेगा, 4 गुना से ज्यादा प्राइस की बढ़ोतरी करनी पड़ी तब जाकर एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस बनेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है मार्केट कैप के हिसाब से कि अगर आप इन सभी कंपनी को ऐड कर देंगे, यानी कि हुडको, एलआईसी एंड पीएनबी हाउसिंग को सबको अगर आप ऐड कर देंगे तब भी जाकर एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं बन पाएगा, तब भी जाकर आपको जो है एक 30-40 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप का अंतर नजर आएगा। एंड क्या लगता है कि आईपीओ के बाद वो चलेगा नहीं? चलेगा, तो उसका मार्केट कैप और बढ़ेगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैसिव सर्ज देखने को मिलता है इन स्टॉक्स में, ये जो अंडर रेटेड स्टॉक्स हैं उनके अंदर। लेकिन कुछ तो बात होगी कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अब तक चला क्यों नहीं? चलना चाहिए था, वो तो अंडर रेटेड है ही,
बट प्रॉब्लम क्या होगी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ ये देखने मिलता है, भले ये सेल्स के मुकाबले बाकियों के कंपैरिजन 3 गुना ज्यादा सेल्स रखते हो, ठीक है ना, ज्यादातर इन कंपनियों की, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, होल्डको की, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, इनकी 8,000 करोड़ की सेल्स है, राइट। अगर आप 3 गुना कर देंगे तो यहाँ पर ना एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की सेल्स बनती है, बट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के पास वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे होल्डको के कंपैरिजन डबल की ही प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलती है, आप देखेंगे कि यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन तो यहाँ पर थोड़ा सा ही यहाँ पर देखने मिलता है, जबकि 3 to 4 times यहाँ पर सेल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी भी लमसम वही होनी चाहिए थी। हालांकि अगर आप देखेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हुआ और आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस हुआ तो लमसम 3.5 गुना के आसपास की निकल आती है प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं निकलती है, बट मैं आपको बता दूं कि ये हवा हवाई बात है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इस प्रॉफिटेबिलिटी को बनाने में भी इन कंपनियों को सालों लग जाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। इसीलिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस बढ़ना चाहिए, रीजन है यहाँ पर एक है ना, आपके सामने लॉजिक है, एंड अब तो अंडर वैल्यूएशन खत्म होने चाहिए जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्ट हो रहा हो। भले ही अगर थोड़ी सी दिक्कतें हैं तो वो चीप वैल्यूएशन में बहुत सारी दिक्कतें समा जाती हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कतों से निकल नहीं पाए, एलआईसी है दिक्कतों से आसानी से निकल सकते, कोई ऐसी भारी दिक्कत भी नहीं है कि ये बर्डन में फंसे हो या कर्ज हो, कर्ज देने वाले ही है, कर्ज यहाँ पर ना उठाने वाले नहीं है, मतलब उठाते हैं लेकिन बैंक से उठाते हैं, बट यहाँ पर ना आपके सामने सिंपल सी बात है कि वैसा नहीं है जो बाकी कंपनियों का रहता है। एंड स्टिल आप चाहे पीई रेशियो से कंपेयर कर लीजिए या प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर कर लीजिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मोस्ट अंडर वैल्यू देखने मिलता है, मतलब डबल की प्राइस टू बुक वैल्यू भी हुई तब भी आपका पैसा दुगना हो गया यहाँ पर, ये बात है यहाँ पर, ये सीधी सीधी सी बात है। एंड इसीलिए म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हमें देखने मिलता है। देखिए आप यहाँ पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, मेरे ही HDFC, सबका पैसा ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर लगा हुआ है। आप उठको से कंपेयर कर लीजिए, वहां पर आपको ठेंगा देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड का, ठीक है ना, बट आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में मोस्टली म्यूचुअल फंड आपको देखने मिल जाते हैं, वो भी हाईली इन्वेस्ट। एंड कई सारे लोगों का कहना है ना कि 30% की दर के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है ना उसके असेट ग्रो कर रहे हैं। बॉस जब आप इस लेवल पर पहुंचेंगे ना, ठीक है ना, तब आप 7-8% से भी ग्रो कर रहे होंगे ना, तो बहुत सारी कंपनियों का असेट समा जाएगा उसमें। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लमसम 7-10% के आसपास का जो ग्रोथ है वो हर साल यहाँ पर दिखा रहा है असेट्स को बढ़ाने में, तो ठीक है ना, जिस तरीके से यहाँ पर जो है ना असेट बढ़ेंगे, जिस तरीके की वैल्यू हो जाएगी, उस तरीके से आपको दरें भी कम देखने को मिलेगी। 30% का है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, 2 लाख करोड़ का असेट अभी आप दे दीजिए, 2 लाख करोड़ का असेट जो है ना वो आपका 10-10% की दर से बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जितना बड़ा फिगर होता जाएगा परसेंटेज वाइज उतना ही कम होता जाएगा, बट वो परसेंटेज इतना बड़ा होगा कि वो असेट जितना इन्होंने जोड़ा है ना एक साल में, उसके अंदर कई सारी कंपनियां बन जाएंगी। तो ये बात आ जाती है, सारी चीजें समझने की बात। सो सिंपली है, मेरा बहुत कुछ कहना नहीं है, मेरा बस यही कहना है कि जो स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही अंडर वैल्यूड है, और जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम ठीक ठाक है, जिस तरीके की सेल्स है वो एकदम ठीक ठाक है, वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट हमें आज की डेट में भी देखने को मिलता है 722 पर, म्यूचुअल फंड का एक्शन भी है, बट ये स्टॉक चल नहीं रहा है। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो नहीं चलते हैं, ठीक है ना, जो चलने चाहिए वो चलते नहीं है, एंड जो नहीं चलने चाहिए उनके अंदर बूम आता है। इंटरेस्ट है, अपना अपना इंटरेस्ट है, बट जो इन्वेस्टर एक ना अंडर वैल्यूड स्टॉक खोजता है वो कहीं ना कहीं खोज चुका है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को, और वो पहले से ही यहाँ पर इन्वेस्टेड हो चुका है जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ रहा था। अगर आप देखेंगे 50-60 रुपए का गेन दे चुका है ये स्टॉक, 50-60 रुपए का गेन बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो आपको रिटर्न मिल रहा है ना आपका आईपीओ का, वो ये चबा चुके हैं। 15,000 की लॉट है ना आपका डबल हो रहा है, लेकिन उसकी जगह वो यहाँ पर ना आपका 50-60 रुपए वो गेन कर चुके हैं, 5-6,000-7,000 रुपए कमा चुका है इंसान, ठीक है ना, इन्वेस्टर कमा चुका है। तो ये बात है, एंड ये चलना चाहिए मेरे ख्याल से, भाई बहुत हो गया है, ये 6 साल से अंडर वैल्यूड है, कहीं ना कहीं इसके अंदर मूव आना। तो जो इन्वेस्टेड है पहले से ही, मेरे ख्याल से आप बेस्ट पिक के अंदर इन्वेस्टेड है, जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इन्वेस्टेड है वो बिल्कुल सही जगह पर है, बिल्कुल सही जगह। बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलती नहीं है, गिरेंगे तो कितने गिरेंगे भाई, गिरने की जगह ही नहीं है, भाई गिरने की जगह ही नहीं है, ये बात है। तो कभी भी म्यूचुअल फंड का शायद अगर कोई एक्शन दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ये एक सब समझ में आती है। सो उम्मीद है
काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टेड है इस बात को समझिए एंड रिसर्च करते रहिए। सारे पैरामीटर्स पर अगर ये उतर रहा है तो आप इसको जो है होल्ड करिए। एंड 760 ये देखने वाली बात होगी, 760 रुपए 6 साल से नहीं निकाला, क्या अब निकलने की बारी है? अगर ये निकलता है तो कहीं ना कहीं 4 डिजिट यानी 1000 की तरफ ये मुड़ सकता है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी हो रहेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।